तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं गूगल एडसेंस से पैसा कैसे कमाएं। उससे पहले दोस्तों इस टॉपिक पे वीडियो बनाने की जरूरत हमें क्यों पड़ रही है, आप सभी बता दें। इससे पहले मैंने एक वीडियो क्रिएट किया था गूगल एडसेंस अकाउंट कैसे क्रिएट करें, तो उसी में आप सभी का बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा था, करीब उस पर 1 लाख व्यूज आया है, बहुत अच्छा प्यार आप सभी का मिला है। उसी में कमेंट आ रहा था कि भाई इससे किस तरीके से पैसे कमा सकते हैं, गूगल एडसेंस से पैसे कमाने के कुछ तरीके के बारे में बताओ जिससे कि हम आसान तरीके से पैसे कमा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता होगा गूगल एडसेंस से हम डायरेक्टली पैसे नहीं कमा सकते, क्योंकि गूगल एडसेंस से पैसा कमाने का जो मैकेनिज्म है वो एक मीडिएटर के बीच में है। जैसे कि गूगल एडसेंस कुछ चीज़ों का स्पॉन्सर लेता है, जैसे कि कुछ ऐड होते हैं वो आपसे किसी और से लेता है, इसके बाद आपके प्लेटफॉर्म या फिर आपके जो चैनल होते हैं या फिर आपके वेबसाइट होते हैं उसके बारे में बताएंगे कैसे आपको कमाना है, उसके फुल डिटेल बारे में बात कराएंगे। उससे पहले दोस्तों मैं अपनी लाइव प्रूफ यहाँ पर अर्निंग दिखा देता हूँ, एक तरीके से जो मैं अर्न करता हूँ, जिससे कि आपको एक मोटिवेशन मिले कि मैं कितना अर्न करता हूँ और आप भी कैसे घर बैठे शुरू कर सकते हैं और अच्छे खासे अर्निंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अपने मोबाइल फ़ोन का स्क्रीन शेयर करूँगा और पहले मैं एक एक दिन का यहाँ पर अर्निंग शो करने वाला हूँ। तो सबसे पहले एक दिन की अर्निंग आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर कितना दिख रहा है, $11.33। अगर आप इसे इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पर मैं सिंपली चलता हूँ, यहाँ पर गूगल क्रोम में चलता हूँ, गूगल क्रोम में लेकर चलता हूँ, $11.33 को अगर कन्वर्ट कर लेता हूँ तो इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट हो गया ₹927 हो रहा है। अगर यहाँ पर मैं अपने जो है अभी तक इस महीने के यानी कि 20 तारीख तक की अर्निंग यहाँ पर आपको शो करूँ तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कितना डॉलर है, $237। तो सिंपली इसे अगर $237 को मैं यहाँ पर इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करता हूँ तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं कितना होता है, ₹19,400 यहाँ पर हो रहे हैं, यहाँ पर आप सभी देख रहे हैं। तो आप भी कुछ इसी तरीके से अर्न कर सकते हैं। ये तो मेरा पहला तरीका था, मैं आपको अर्निंग दिखाया इसलिए कि आपको मोटिवेशन मिले। अब बात करते हैं गूगल एडसेंस से कितने तरीके से पैसे कमाए जा सकते हैं, कौन कौन सा तरीका है। तो सबसे पहला तरीका है वेबसाइट, इसके बाद दूसरा तरीका है YouTube चैनल, दोनों के बारे में एक्सप्लेन करूंगा। तो वेबसाइट से किस तरीके से कमा सकते हैं, चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पर गूगल क्रोम पे आता हूँ, यहाँ पर गूगल क्रोम से ही कुछ जानकारी लेकर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, जिससे होगा क्या कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आप डायरेक्टली गूगल क्रोम से ही जाकर वेबसाइट भी बना सकते हैं। तो वेबसाइट बनाने के लिए यहाँ पर आपको दिख जाएगी कई ऐसी वेबसाइट हैं, यहाँ पर ब्लॉगिंग बनाने के लिए सबसे अच्छी वेबसाइट की बात करें तो वर्डप्रेस है, तो इसे आपको सीखना होगा। वर्डप्रेस का मतलब क्या होता है, वर्डप्रेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप वेबसाइट बना सकते हैं, वर्डप्रेस है, .com है, इसके बाद यहाँ पर Tumblr.com है, इसके बाद ब्लॉगर स्पोर्ट, बिक्स है, इसके बाद व्यूफुल लिस्ट है, इसी तरीके की ढेर सारे यहाँ पर प्लेटफॉर्म मिल जाते हैं जहाँ से आप वेबसाइट बना सकते हैं। अब वेबसाइट होता क्या है, जैसे कि दोस्तों देखिए ये वेबसाइट है, ये कोई बता रहा है तो ये वेबसाइट है, यहाँ पर जो www.supportmedia.com है ये वेबसाइट, इस पर आप अगर आप क्लिक करेंगे कुछ सीखेंगे, तो सीखने के मतलब कि आपको लिख कर बताना होता है और यूट्यूब में बोल कर बताना होता है, जिस तरीके से मैं आपको बोल कर बता रहा हूँ तो वो हो गया कि अब वॉइस के थ्रू आपको समझा रहा हूँ, ये लिख कर बता रहे हैं ब्लॉगिंग के थ्रू। तो ये देखिए इसके बीच में जो ऐड आ रहे हैं इसके पैसे मिलते हैं, ऐड के अच्छे खासे पैसे मिलते हैं, यानी कि अगर आप एक ब्लॉगिंग शुरू करते हैं तो आप डेली का कम से कम आप समझ लीजिए 5,000-6,000 डेली का अर्न कर सकते हैं, लेकिन उसका क्राइटेरिया शुरू में उस क्राइटेरिया को आपको फॉलो करना होगा। यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं कुछ इसी तरीके से, जब भी आप ब्लॉगर पेज पे आएंगे आपका पेज मोनेटाइज हो जाएगा, इसके बाद यहाँ पर आपको देख रहे हैं अच्छे खासे ऐड आएंगे, अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। तो ये पहला तरीका था कि आप ब्लॉगिंग से पैसे कमा सकते हैं, अर्न कर सकते हैं। जो ट्रेंडिंग में तरीके चल रहे हैं वही तरीके बात कर रहे हैं जिससे कि पॉसिबल है पैसे कमाने हम और आप जैसे लोगों को, जिसके पास एक मोबाइल फ़ोन है, जिसके पास अच्छी खासी PC है, तो उसके लिए अलग अलग तरीके भी अवेलेबल हैं। लेकिन जो मेरे पास तरीका है जो आप यूज कर सकते हैं, जिस तरीके से आम आदमी जो यूज कर सकता है उसी तरीके के बारे में बात करेंगे। अब सेकेंड जो तरीका है दोस्तों, यूट्यूब चैनल, जो कि बेस्ट है इस समय, आपको बेस्ट है यूट्यूब चैनल से अर्निंग करना। जो अर्निंग मैंने दिखाया है वो यूट्यूब चैनल से ही है। तो यूट्यूब चैनल से पैसे कमाने के लिए आपको करना क्या होगा एडसेंस के थ्रू, तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर क्या क्या एडसेंस के थ्रू आपको यूट्यूब चैनल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले यूट्यूब चैनल आपको एक बनाना पड़ेगा, यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको एक यूट्यूब चैनल बनाना पड़ेगा, फिर आपको कुछ उस पर वीडियोज अपलोड करनी होगी। वीडियो जैसे ही अपलोड करेंगे इसके बाद यहाँ पर आपको मिल जाता है 1,000 सब्सक्राइबर पूरा करना होगा। जिस तरीके से आपके फेसबुक पे फ्रेंड होते हैं उसी तरीके से आप जो है अपने चैनल पे सब्सक्राइबर बेस कंप्लीट करेंगे। इसके बाद YouTube के अनुसार YouTube के एक और अलग क्राइटेरिया है, 1,000 सब्सक्राइबर और 4,000 घंटे का वॉच टाइम, यानी आप जितनी भी वीडियो डालेंगे 100, 50, 10 वो सब मिलाकर अच्छा खासा आपके व्यूज आएगा तो आपके 4,000 घंटे का वॉच टाइम पूरा करना होगा। यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, लाइव प्रूफ आपको दिखा रहा हूँ, 4,000 घंटे। इसके बाद आप
एक क्राइटेरिया इस समय और आ चुका है जो कि शॉर्ट वीडियोज़ के लिए, जो शॉर्ट वीडियोज़ के लिए आपको क्या करना पड़ता है, 10 मिलियन व्यूज़, 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करना होता है अपने चैनल पे। इसके बाद यहाँ पर आपको आ जाता है, यहाँ पर जैसे कि देख रहे हैं गूगल एडसेंस के द्वारा मोनेटाइज किया जाएगा यहाँ पर यूट्यूब। यहाँ पर ये क्राइटेरिया कंप्लीट कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको मिल जाता है गूगल एडसेंस के थ्रू आपका चैनल मोनेटाइज किया जाएगा। यहाँ पर लिखकर आ चुका है साफ साफ, यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं गूगल एडसेंस के थ्रू आपका चैनल मोनेटाइज कर दिया जाएगा जब ये क्राइटेरिया कंप्लीट कर लेते हैं तब। और इसी तरीके से आप यूट्यूब से पैसे कमा सकते हैं और गूगल एडसेंस से पैसे कमा सकते हैं, जो कि बिल्कुल रियल तरीका है। लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं, आप भी लाखों रुपए कमा सकते हैं जिस तरीके से मैंने अपनी अर्निंग दिखाया। और यहाँ पर अगर चलें गूगल एडसेंस की भी अर्निंग आपको दिखा दें, तो गूगल एडसेंस की भी अर्निंग आपको देख लीजिए। यहाँ पर अभी 23 दिन 24 दिन हुए हैं, यहाँ पर $209 मेरे यहाँ पर बन चुके हैं, यहाँ पर आप सभी देख रहे हैं। अभी और भी अर्निंग होने शुरू, अभी और अर्निंग होगी 209 का, मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। एक प्लेट जो है यहाँ पर 17,111 रुपये हो रहे हैं, यहाँ पर 111 रुपये हो रहे हैं, 17,111 रुपये 209 डॉलर के यहाँ पर अर्निंग हो रही है। तो कुछ इसी तरीके से गूगल एडसेंस से पैसे कमाए जा सकते हैं, लेकिन दोस्तों आपको मेहनत और पेशेंस करना पड़ेगा या फिर करना होगा, तभी जाकर आप जो है गूगल एडसेंस से अर्निंग कर सकते हैं। नहीं तो अन्यथा आप गूगल एडसेंस से अर्निंग नहीं कर सकते। सिर्फ आपको क्या करना है, वर्डप्रेस, अगर आपको वेबसाइट के बारे में अच्छी खासी नॉलेज सीखनी है तो सीख लीजिए, नहीं तो यूट्यूब एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब से भी गूगल एडसेंस से लिंक करिए। इसके बाद जो भी ऐड आते हैं उसके बीच में, जो आपकी वीडियोस के बीच में ऐड आते हैं उसी को पैसा मिलता है, यानी जो वीडियोस में जैसे आप मेरी वीडियोज ये देख रहे हैं उसके बीच में जो भी ऐड आ रहे हैं उसी का पैसा मुझे देगा यूट्यूब, यानी जो वीडियोस डाल रहा है उसी का पैसा देगा। अब आप लोगों का कमेंट ये आएगा कि भाई वो कितना लेगा, यानी कि अगर सभी पैसा मुझे दे देगा तो एडसेंस भी कुछ रखेगा ना, तो एडसेंस का भी कुछ रूल्स है। जैसे कि मान लीजिए क्रिएटर को 55% देता है, जैसे कि 1 रुपये की अर्निंग होती है, 1 रुपये किसी ऐड को दिखाने का लेता है। अगर आपके पास कोई भी मान लीजिए कोई भी एप्लीकेशन हो चुका है, बिंजो हो गया या फिर रमी हो गया, ये ढेर सारी एप्लीकेशन है, उसे आप प्रचार कराना चाहते हैं, प्रचार जब कराएंगे यूट्यूब पे ऐड लगाएंगे तो वो एडसेंस से लगता है ऐड। जब एडसेंस से ऐड लगेगा तो एक ऐड का 1 रुपये ले लेगा, इसके बाद जो है 45 पैसा खुद रख लेगा एडसेंस, 55% जो है क्रिएटर को दे देगा जिसके वीडियोज पे वो ऐड लगाई जा सकती है। तो कुछ इसी तरीके से ये मैनेजरियल काम करता है, जो कि आसान तरीके से आप गूगल एडसेंस से पैसे कमा सकते हैं, जो कि मैं आसान तरीके से आप सभी को एक्सप्लेन किया हूँगा। तो ये वीडियो आप सभी को बहुत ही पसंद आई होगी, तो वीडियो अभी तक आपको पसंद आई तो वीडियोज़ को लाइक कर दीजिए। और गूगल एडसेंस से रिलेटेड कोई भी अर्निंग रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो रही, तो इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, डायरेक्टली मुझसे बातें कर सकते हैं और कोई भी सवाल है तो वहाँ पर सवाल जवाब कर सकते हैं। दोस्तों अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को क्या कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, क्योंकि यहाँ पर डेली नॉलेजेबल कंटेंट मिलता रहता है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय।